जो आ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही है, यही तो लॉजिक हम आप लोगों से चाहते हैं, यही लॉजिक आ जाए। एक बच्चा बोला सर हमें ये रिएक्शन ऐसे नहीं करना, हम ऐसे करके आएंगे। आप ऐसे कराओ भाई, गुस्सा क्या है। बोला हम इस बेंजीन रिंग की जगह C6H5 लिखेंगे, तो C6H5 आगे COO और AG रिएक्शन किससे, ब्रोमीन से, बेजेंसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्साइड, तो यहाँ से निकला CO2, यहाँ से निकला AG और यहाँ से BR, AgBr। बचा क्या C6H5 और यहाँ से, तो यही तो लिखा है ये भी, इसका सूत्र क्या होता है बेंजीन का C6H6, लेकिन आपको पता है यहाँ से ब्रोमीन लग गया, मतलब यहाँ से H निकल चुका है, तो C6H6 नहीं बचा, यहाँ क्या बचा C6H और भी यार, चाहे आप ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो। ये हो गई हुंसडीकर रिएक्शन। चलिए एक दो रिएक्शन और देखते हैं आज के लिए, फिर बाकी कल करेंगे। कल इसकी करेंगे और एल्कोहल फिनॉल ईथर की करेंगे कुछ, तो एल्डिहाइड कीटोन की करेंगे, और इन पक्का आपको रिएक्शंस मिलने, आज ही आप जाके पेपर देखिएगा, कुछ रिएक्शंस तो आज ही मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम आज को आप लोगों को आज की 3 रिएक्शन कराते हैं लास्ट। कितनी हो गई, 3 ना, 3 रिएक्शन करा रहे हैं आज की लास्ट। बुर्ज रिएक्शन या बुर्ज भी बोल देते हैं, बुर्ज रिएक्शन। ठीक है, सेकंड है, सॉरी मतलब ये जो 3 करा रहे हैं उसकी सेकेंड और टोटल का 5। बुर्डजे फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन कभी भी एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, ये हम आप लोगों के लिए, पूरा अपना नाम लिखना। और थर्ड हम आपको करा रहे हैं टोटल की 6 नंबर फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन नोट बाद में कर लेना, आप लोग नोट कर लोगे। सबसे पहले ये समझ लो 3 रिएक्शन है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन तीनों रिएक्शन में जो प्रेजेंसी होगी वो होगी ईथर की। ये 3 रिएक्शन हमने आप लोगों के लिए इसीलिए सेट की है कि आप लोग एक साथ नहीं याद कर लो, चाहे बुर्ज रिएक्शन आ जाए, चाहे बुर्ज फिटिंग रिएक्शन आ जाए, चाहे फिटिंग रिएक्शन आ जाए, इन तीनों ही रिएक्शन में जो प्रेजेंसी होगी वो किसकी होगी, ईथर की। अब सेकेंड कॉमन चीज, इन तीनों में जो रिएक्शन होना है वो होनी है सोडियम से, किससे, सोडियम से 2Na। ये रिएक्शन भी सोडियम से होगी और ये रिएक्शन भी सोडियम से ही होगी। अब ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ ले लिया CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इसके CH3Cl के, 2 ध्यान देना, CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 2 CH3Cl। आप 2 एक साथ भी लिख सकते हो या फिर आप दो बार लिख दो 2CH3Cl। अगर दोनों, अच्छा जरूरी नहीं है कि CH3Cl लो, आप C2H5Cl भी ले सकते हो,
लेकिन ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक CH3Cl हो जाए दूसरा C2H5Cl। अगर दोनों आप एल्किल ग्रुप लेते हो तो ये बुर्ज रिएक्शन, ध्यान से देखना रिएक्शन खत्म है। एक तो आप एल्किल लेते हो मतलब CH3Cl, लेकिन दूसरा आप एरोमेटिक लेते हो मतलब C6H5Cl, तो ये कहलाती है बुर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो दोनों CH3 लिए तो बुर्ज रिएक्शन, एक तो CH3 लिया लेकिन दूसरा वाला क्या कर दिया एरोमेटिक मतलब C6H5, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बुर्ज फिटिक रिएक्शन। और अगर आप दोनों ही एरोमेटिक लेते हो, दोनों ही अगर आप एरोमेटिक लेते हो, अब दो बार लिख लो इनको या इनके आगे क्या लगा दूं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, अब ये रिएक्शन खत्म, वैसे इतना वैसे याद रखना है। दोनों आप R ले लो, पहले सुनो बाद में नोट करना प्लीज। जो ये CH3 होते हैं C2H5 होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, इनको हम किससे शो कर सकते हैं R से, और ये जो बेंजीन होती है एरोमेटिक ग्रुप होती है इसको हम किससे शो कर सकते हैं AR से। दोनों अगर आप R लेते हो जैसे CH3 CH3 C2H5 C2H5, तो दिस इज कॉल्ड बुर्ज रिएक्शन। एक AR लेते हो दूसरा AR लेते हो तो वो बुर्ज फिटिक रिएक्शन। ध्यान रखना R मतलब यहाँ CH3 भी ले सकते हो C2H5 भी ले सकते हो, और अगर दोनों आप AR लेते हो तो वो कौन सी रिएक्शन फिटिक रिएक्शन। बताओ क्या निकलेगा, मन की आंखों से देखो बताओ क्या निकलेगा, दिख रहा है यहाँ 2Na है और यहाँ हमेशा वैलिड प्रोडक्ट निकलता है, हम खुद देखें रिएक्शन तो हमें दिख रहा है एक Na और एक Cl, एक Na Cl, तो यहाँ से 2Na और यहाँ से 2Cl क्या निकल गया 2NaCl, क्या बचा CH3, तो ये CH3 बॉन्ड CH3। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे लिखाएं टोटल कितना है C2S6, लेकिन एक बच्चे ने तो गजब ही कर दिया था एक कोचिंग में, उसने ऐसे लिख दिया था 2CH3, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना, 2CH3 का मतलब क्या है CH3, ये गलत, दोनों जोड़ के लिखने या तो CH3 लिख दो या C2S6 लिख दो। बताओ नाम, दो कार्बन का क्या होता है एथ और सिंगल बॉन्ड का क्या लगता है इथेन। बताओ यहाँ मन की आंखों से देख के बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिससे पूछे उसका बताओ क्या बनेगा, वो तो निकल गया, बनेगा क्या, हाँ कनिष्ठ नाम बता दो उसका जो बन रहा है सृष्टि क्या बनेगा, हाँ बेंजीन क्लोरोबेंजीन नहीं सर बेंजीन, क्लोरीन तो निकल जाएगा ना, तो क्या बन रहा टालुबीन बन रहा, वही तो पूछ रहे हैं हम, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl और यहाँ से 2 क्या निकल गया 2NaCl, यहाँ से बची बेंजीन रिंग और यहाँ से क्या बचा CH3, तो बन गया टालुबीन, दिस इज टालुबीन। तो लिखा तो है वो रॉन्ग, देखो जैसे आप 2H लिखते हो और H2 लिख दो इसमें क्या फर्क है, 2H का मतलब है हाइड्रोजन के दो एटम और H2 का मतलब है दोनों एटम आपस में, तो 2CH3 का मतलब है CH3 अलग है, तो गलत है। हाँ आप अगर ऐसा लिख देते CH3 का होल टू तो उसका मतलब यही होता है ना इथेन। जे हो गई हमारी बुर्ज रिएक्शन, जे हो गई बुर्ज, दोनों आर तो बुर्ज, एक आर तो एक ए आर तो बुर्ज फिटिक और ए आर ए आपकी फिटिक। जे थोड़ा रंग चेंज कर दें जिसमें आप लोगों को दिख जाए, जे इसी के अंतर्गत था ये नाम, ठीक है ए हो गई, जे हो गई हमारी बुर्ज फिटिंग। अब बताओ क्या निकलेगा दिव्यांशी,
जल्दी बताओ देख के क्या निकलेगा। यहाँ 2Na 2Cl निकले, यहाँ 2Na 2Cl, तो यहाँ भी 2Na और 2, तो क्या निकलेगा 2NaCl, 2NaCl। बताओ कितनी बेंजीन रिंग बची अब, दो, तो ये दोनों रिंग को आपस में जोड़ के लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना, 2NaCl हम नीचे लिख देंगे। तो देखिए एक बेंजीन रिंग और एक और बची है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा 2NaCl। इसका नाम होता है बाईफेनिल, डाईफेनिल भी लिख सकते हैं आप। अब आप लोग अगर इतना समझ गए तो तीनों रिएक्शन खत्म हो गई। देखो क्या आप लोगों को सब इतना ध्यान रखना, हमेशा रिएक्शन किससे होनी है, 2Na से प्रेजेंस ईथर। अगर दोनों RX लेंगे तो कौन सी रिएक्शन, अगर एक RX लेंगे और दूसरा ARX फिटिंग, और दोनों अगर ARX ले लिए आ जाएगी कॉपी पेस्ट। देख के लिखना, गलत मत करना, पहले बुर्ज लिखना, फिर बुर्ज फिटिक लिखना, फिर फिटिक लिखना, ठीक है। इनके नाम तो पता है, इसका नाम पता है, अरे क्लोरोमीथेन, अरे हजार हो। अब जैसे आपसे कोई पूछे H2O का नाम बताओ, वाटर, सो H2O का नाम बताओ, तो इससे थोड़ी फंसोगे कि दो हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन, और इसका नाम क्लोरोमीन, इसका नाम नहीं नहीं गलत 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 गलत, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ दो लिंक हो गई। हाँ ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ ऐसे लिख सकते थे कि दो बेंजीन रिंग लेते आप, एक ए और एक बेंजीन रिंग बगल में लेते ऐसे, और फिर सिंगल बॉन्ड बना देते, तो दिस इज राइट। लेकिन यहाँ दो लिंक नहीं जा सकते, ये गलत हो जाता। अच्छे से लिख लो, नाम लिख देते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन, नाम जरूरी लिखना है रिएक्शन में, है ना, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन। इसका नाम तो क्लोरोमीथेन है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। आप लोग बच्चों अपने नाम बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइए, और आप भी यही हो, हम ही यही हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप कोई भी रिएक्शंस कैसे भी आपसे कुछ भी बनाने के लिए कर जाए कह दे आप बना दोगे। क्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्लोरोमीथेन है ना, कहाँ लिखते कहाँ लिखते, यहाँ लिख देते हैं, और बिल्कुल अच्छे से लिखना है जिसमें सबको दिखे। अगर आप लोगों ने अगर समझ ली हो रिएक्शन, तो अगर पहली रिएक्शन किसी से बन गई तो तीनों बन जाएगी। दोनों बार CH3 ले लो तो बोझ, एक बार CH3 ले लो, एक बार बेंजीन रिंग ले लो तो बोझ फटे, और दोनों बार बेंजीन रिंग ले लो तो फटे। तो जिससे पहली रिएक्शन बन गई उससे तीनों रिएक्शन बन जाएंगे। इसको बाईफेनिल भी बोल सकते हो, डाईफेनिल भी बोल सकते हो, ईथर एनहाइड्रस कंडीशन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पानी हुआ तो सोडियम आप जानते हो पानी से क्या कर जाएगा, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, इसलिए यहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसका नहीं आई समझ में, हाँ स्वाति, आर ओ आर, ईस्टर होता है RCOOR, और ईथर होता है ROR। चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल फर्दर हम कुछ रिएक्शंस कराएंगे। 1 तारीख को आपका सेशन, देखिए 30 तारीख को आप लोग घर में जाके सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लीजिएगा।